हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर सेवनटीन फोर क्लास टेंथ सामाजिक विज्ञान के बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए सेवनटीन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए, लिए शेड्यूल की गई है आज की जो वर्कशीट है उसमें हम हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट उसी को कंटिन्यू करेंगे संसाधन और विकास ठीक है so सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो so, देखिए हमने पिछली जो वर्कशीट्स हैं उनमें पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं संसाधन जो भी हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं उनको हम संसाधन कहते हैं सो so, संसाधन वो हमने तीन तरह के संसाधन पढ़े थे मेनली एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन यानी जो हमें प्रकृति से मिले हैं प्रकृति से मिलने वाले संसाधन जैसे भूमि वायु जल ये सब क्या है ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मानव निर्मित संसाधन यानी जो मानव ने जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रयोग करके जो संसाधनों में चेंजेस किए हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है और तीसरी तरह का संसाधन है मानव संसाधन जो कि सबसे सर्वोपरि है यानी मनुष्य अपने कौशल और ज्ञान के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन है ठीक है उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार ढाल लेता है तो वही क्या है वो मानव संसाधन है जो कि सबसे सर्वोपरि है अब हम बात करते हैं कि संसाधन जो है अब देखिए कुछ संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त हो सकते हैं कुछ संसाधन ऐसे हमने पढ़े थे जो समाप्त नहीं हो सकते हैं क्लियर तो जो भी संसाधन जिनका उपयोग हम कर रहे हैं वो संसाधन कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें संसाधनों को इस तरह से प्रयोग करना है कि हम भावी पीढ़ी को उनकी जरूरत उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको संसाधन दे भी सकें और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो तो संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूर्ति होती रहें सतत पोषणीय विकास कहलाता है तो ये भी हमने पढ़ा था सतत पोषणीय विकास क्या है विकास तो है लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भावी पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताएँ है, तो पूरी होती रहेंगी लेकिन जो पर्यावरण है हमारा वो भी जो है सुरक्षित रहना चाहिए ऐसा जो विकास होता है वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिनके द्वारा संसाधन सं, संसाधनों का उचित स, जो है सुनिश्चित उपयोग किया जा सकता है संसाधन नियोजन कहलाता है यानी संसाधनों का एक तरह से उचित सुनिश्चित उपयोग करना जुडिशियल यूज़ में समझदारी के साथ विवेकपूर्ण तरीके से उनको हम संसाधन नियोजन कहते हैं 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया ठीक है तो उन्नीस में ये ब्राजील का जो शहर है रियो डी जनेरियो, वहाँ पर ये जो आप कह सकते हो कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके हेड जो है उनकी मीटिंग हुई थी तो उसमें ये एजेंडा ट्वेंटी वन पारित किया गया था एजेंडा ट्वेंटी वन का क्या था उसके मेनली बेसिक टू प्रिंसिपल्स थे ठीक है और उसमें क्या था कि पहला तो था जिसका उद्देश्य समान हित पारस्परिक जो आवश्यकताएं हैं देशों की सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है गरीबी और रोगों से निपटना है और उसी जो ये समिट हुई थी ये जो वहाँ पे जो आप कह सकते हो कि मीटिंग हुई थी उसमें पल्स पोलियो प्रोग्राम पे भी बहुत जो है इसमें आप कह सकते हो कि उसको भी बहुत बढ़ावा दिया गया था रोगों से जो निपटना है उसमें मेन फोकस पल्स पोलियो पे भी रहा था उसके अलावा इसमें जो बात की गई थी कि हर एक गवर्नमेंट का जो जैसे कंट्री है तो कंट्री की अपनी क्या है अपनी एक लोकल गवर्नमेंट है तो हर एक गवर्नमेंट का एक एजेंडा होना चाहिए आ, एजेंडा ट्वेंटी वन जिसको नाम दिया गया कि प्रत्येक जो गवर्नमेंट है वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गरीबी को दूर हटाने का पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे तो ऐसी जो है ज़िम्मेदारियाँ हर एक गवर्नमेंट को लेनी है यानी हर एक लोकल गवर्नमेंट का अपना भी एक लोकल एजेंडा होना चाहिए तभी जो है विकास हो सकता है तभी सतत पोषणीय विकास हो सकता है तो ये दो इसमें मेन पॉइंट थे नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति, व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं ठीक है तो महात्मा गांधी की ये जो शब्द हैं ये हमने पहले भी पढ़ी हैं। उन्होंने कहा था कि अगर व्यक्ति की केवल जरूरतें हैं केवल आवश्यकता है तो बहुत कुछ है इतना संसाधन है कि हमारी कई पीढ़ियां जो है आप कह सकते हो कि बहुत लंबे समय तक हम संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन अगर हम उसका लालच करेंगे और अंधाधुंध उसका यूज़ करेंगे तो मनुष्य की संतुष्टि नहीं हो सकती और उसका पेट नहीं भरेगा तो हमारे संसाधन वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे भू उपयोग भू उपयोग जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है ठीक है प्राकृतिक संसाधन और बहुत ही जरूरी प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि भूमि के बिना तो हमारे ना उद्योग पॉसिबल हैं ना ही जो है हम इसमें आगे जो है कुछ है कर सकते हैं अब देखिए जो भूमि है उसका हम बहुत तरीके से प्रयोग करते हैं तो कैसे कैसे उसका उपयोग करते हैं हम वनों में वन जो है वो सारे जमीन पर हैं और वनों से ही हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा मिलता है दूसरा है कृषि के लिए अन्य उपलब्ध भूमि ठीक है तो कृषि के लिए जो है अनुपलब्ध भूमि भी जो है क्या है यानी जिस भूमि के जो भूमि हमारी कृषि के लिए नहीं है वो क्या है अनुपलब्ध भूमि है कृषि के लिए जिसके ऊपर हमने उद्योग उद्योग बनाए हुए हैं फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं तो वो भूमि जो है वो कृषि के लिए उपलब्ध भूमि नहीं है तीसरा है प्रतिभूमि प्रतिभूमि क्या होता है बच्चों प्रतिभूमि वो भूमि है जो कि बंजर है यानी परती भूमि ऐसी भूमि होती है जिसपे पहले बहुत पहले कृषि की जाती थी लेकिन लगातार कृषि करने के कारण उसके जो पोषक तत्व वो कम हो गए और वो भूमि अब जो कृषि है उसके लिए उपयुक्त नहीं रही ऐसी भूमि को प्रति प्रतिभूमि भूमि कहा जाता है नेक्स्ट देखिए प्रतिभूमि भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि तो ये जो है आप कह सकते हो यहाँ पे चर जो चरगाह होते हैं चरवाह भूमि होती है उसको इसमें इंक्लूड किया जा सकता है ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो यानी जहाँ पे कृषि होती है उसको देखिए ये दोनों एक ही पॉइंट में जो है डाले गए हैं तो यहाँ पे आप चरगाह भूमि वो लिख सकते हो अब इसमें जो है क्या आएगा जिस भूमि पर हम कृषि कर रहे हैं वो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो ये है हमारे भूमि के उपयोग अब बात करते हैं भू निम्नीकरण के कारण तो भू निम्नीकरण का मतलब क्या है भू निम्नीकरण का मतलब होता है कि जो भूमि की क्वालिटी है वो लगातार डीग्रेड हो रही है और लगातार डीग्रेड यानी उसकी जो क्वालिटी है उसका स्तर जो है वो गिरता जा रहा है भूमि लगातार कृषि योग्य भूमि जो है वो कम होती जा रही है किन किन कारणों से कम हो रही है तो देखिए जो खनन करते हैं माइंस वगैरह से जो निकालते हैं कोयला निकालते हैं लगातार खनन करते रहते हैं वो भूमिका उससे जो है भूमि की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है नेक्स्ट देखिए अतिचारण यानी पशुओं को ज़्यादा अगर जमीन पर चराते हैं तो उनके जो पैर होते हैं उनके कारण भी क्या होता है कि भूमि जो है वो निम्नीकरण होती है अति सिंचाई तो ज़्यादा सिंचाई करने से भू निम्नीकरण होती है ज़्यादा सिंचाई करने से जो भूमि के जो ह्यूमस के सबसे ऊपर की लेयर होती है ना ह्यूमस जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है वो ज़्यादा पानी के कारण बह जाती है जिसके कारण भू निम्नीकरण होता है औद्योगिक प्रदूषण तो औद्योगों के अंदर जो भी गंदा जो माल निकलता है जो पानी निकलता है वो सब जमीन में छोड़ दिया जाता है और वो भूमि के कॉन्टेक्ट में आने से उसका जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड करता है वनो उन्मूलन यानी वनों का काटना ये तो सबसे मेन फैक्टर है वनों के काटने से वन क्या करते हैं वनों की जड़ें जो है वो भूमि सॉयल जो है भूमि उसके जो कण है उनको बांधे रखती है लेकिन वन कटने से क्या होता है जैसे ही हल बारिश आएगी सारी की सारी जो ह्यूमस है जो ऊपर की लेयर है जो उपजाऊ भूमि है वो सारी बह जाती है जिससे कि भू निम्नीकरण होता है ठीक है बच्चों अब देखिए अब यहाँ पे आपको चार प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही आसान से प्रश्न हैं जिनके आंसर हम करेंगे तो देखिए पहला जो प्रश्न है औद्योगिक प्रदूषण में किस प्रकार उत्तरदायी है उदाहरण देकर बताइए ठीक है थीके? तो देखिए जैसे कल कारखानों की गतिविधियों के कारण भूमि उर्वरता कम होती है तो जो कल कारखाने हैं उनके कारण भूमि की जो फर्टिलिटी है कम हो जाती है जैसे कारखानों से निकले गए अपशिष्ट पदार्थ और रासायनिक पदार्थ आदि मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को कम करते हैं जिसे भू निम्नीकरण होता है सेकंड देखिए संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं तो संसाधनों का विवेक इस्तेमाल ही क्या कहलाता है संसाधन नियोजन है भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों का समुचित वितरण नहीं है संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है ठीक है प्रश्न तीन दिया गया है कि एजेंडा ट्वेंटी वन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए तो एजेंडा ट्वेंटी वन के उद्देश्य क्या थे पहला उद्देश्य था इसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करना है कि सभी का विकास होना चाहिए बीमारियां दूर होनी चाहिए दूसरा यह पर्यावरणीय क्षति गरीबी बीमारी आदि से लड़ने का एक एजेंडा है तीसरा जनसंख्या नियंत्रण है इसका उद्देश्य और चौथा जो है तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना एजेंडा ट्वेंटी बनाना चाहिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न चार है यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली अपितु तो यह हमने आने वाली पीढ़ी से उधार ले रखी है जिसे हमें उन्हें लौटाना है इस कथन के आलोक में सतत पोषणीय विकास के महत्व का वर्णन कीजिए तो देखिए ये जो जो पृथ्वी है हमें ये अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली बल्कि ये हमें जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उन्होंने हमें उधार दे रखी है तो इसका क्या मतलब है कि हमें इस पृथ्वी पर जो एक आप कह सकते हो कि जैसी पृथ्वी हमें मिली थी एक अच्छा पर्यावरण बहुत सारे संसाधन तो ऐसी ही पृथ्वी हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को भी लौटा के देनी है उसके लिए सबसे जरूरी हो जाता है सतत पोषणीय विकास करना तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है सतत पोषणीय विकास के द्वारा ही हम पृथ्वी तथा संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकते हैं और भारत जैसे देश में तो सतत पोषणीय विकास और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत में जो संसाधन है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हैं उनका जो है समान रूप से वितरण नहीं किया गया है इसीलिए और भी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है तो ये चार क्वेश्चन आपको करने हैं आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग Have a nice day.